हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया ही होंगे। वेल दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के दूसरे सबसे बड़े महाद्वीप अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका महाद्वीप को इंसानी सभ्यता का जन्मस्थल कहा जाता है। अपनी जलवायु विविधता, गहरी सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक संसाधनों और टूरिस्ट स्थलों के लिए ये जाना जाता है। भूमध्य रेखा के दोनों तरफ स्थित होने की वजह से इसकी भौगोलिक स्थिति यूनिक और विविधताओं से भरी हुई है। अफ्रीका महाद्वीप में नदियाँ, पहाड़, जंगल, रेगिस्तान और बर्फीले ग्लेशियर सब कुछ पाया जाता है। इस समय अफ्रीका में 54 संप्रभु और 2 विवादित देश स्थित हैं। लेकिन 19वीं और 20वीं शताब्दी में ज्यादातर अफ्रीका पर ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल जैसे यूरोपियन देशों का शासन था। अंग्रेजों और अन्य देशों के शासन से पहले अफ्रीका 10,000 से भी ज्यादा जनजातियों और कबीलों का घर था। दुनिया की कुछ सबसे पुरानी मानव सभ्यताएं अफ्रीका महाद्वीप के भूक्षेत्र में पनपी थी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अफ्रीका और अफ्रीका से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अफ्रीका एशिया के बाद क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका का कुल क्षेत्रफल 3,02,21,532 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या है लगभग 130 करोड़ से ज्यादा। अफ्रीका में संयुक्त राष्ट्र से मान्यता प्राप्त 54 देश हैं, जो किसी भी महाद्वीप से ज्यादा हैं। इन देशों में दुनिया की 15% जनसंख्या निवास करती है। दोस्तों, अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों अक्षांशीय रेखाएं गुजरती हैं। साथ में मध्यान रेखा भी अफ्रीका के मध्य से गुजरती है। इथियोपिया और लाइबेरिया को छोड़कर पूरा अफ्रीका महाद्वीप कभी न कभी बाहरी देशों के अधीन रहा है। दोस्तों, अल्जीरिया अफ्रीका का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है, वहीं नाइजीरिया सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। अल्जीरिया दुनिया के 10 सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले देशों में से एक है। मेडागास्कर अफ्रीका का सबसे बड़ा आइलैंड है। ये हिंद महासागर में स्थित है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आइलैंड है ये। दोस्तों, लागोस अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर है और कैरो सबसे बड़ा शहर है। अफ्रीका की नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। ये 6,852 किलोमीटर लंबी है। नील नदी दो जगहों, तंजानिया और विक्टोरिया झील और इथियोपिया की टाना झील से निकलती है और इजिप्ट में जाकर समुद्र में मिल जाती है। दोस्तों, अफ्रीका यूरोप के दक्षिण में और एशिया के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अफ्रीका और एशिया इजिप्ट के पेनिनसुला पर आकर मिलते हैं। ज्यादातर मैप्स में पेनिनसुला को एशिया का ही पार्ट दिखाया जाता है। अफ्रीका इस समय सबसे तेज गति से जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप है। तेज गति से बढ़ती जनसंख्या के साथ ही अफ्रीका में औसत आयु की दर विश्व में सबसे कम है। अफ्रीका में पुरुष की औसत आयु 61 वर्ष और महिलाओं की औसत आयु 64 वर्ष है। दोस्तों, अफ्रीका में दुनिया के सबसे ज्यादा HIV/AIDS के रोगी हैं। पूरे अफ्रीका की 2/3 से भी ज्यादा लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। तंजानिया के केन्यन सीमा के पास स्थित माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पॉइंट है। अफ्रीका में स्थित ये एकमात्र ग्लेशियर है। दोस्तों, स्टडीज के अनुसार दुनिया की कुछ सबसे पुरानी मानव सभ्यताएं अफ्रीका में विकसित हुईं। प्राचीन मिस्र की फेरोनिक सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन और लंबे समय तक चलने वाली सभ्यताओं में से एक थी। औपनिवेशिक काल से पहले अफ्रीका में 10,000 से ज्यादा विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों वाले जनजातीय समूह शासन करते थे। इस समय अफ्रीका में 3,000 से ज्यादा कबीले और जातीय समूह रहते हैं। दोस्तों, तंजानिया, युगांडा और केन्या की सीमा पर स्थित विक्टोरिया झील दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताजा पानी की झील है। अफ्रीका में 16 देश पूरी तरह से जमीनी सीमाओं से घिरे हुए हैं। इन 16 देशों की सीमा ना तो हिंद महासागर से मिलती है और ना ही अटलांटिक महासागर से। दोस्तों, अफ्रीका में लगभग 2,000 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। यूरोपीय देशों के आधिपत्य की वजह से इंग्लिश, फ्रेंच, पुर्तगीज आदि भाषाएं ज्यादातर क्षेत्रों में बोली और समझी जाती हैं। उत्तरी अफ्रीका में अरबी भाषा भी सरलता से बोली और समझी जाती है। दोस्तों, विक्टोरिया फॉल्स अफ्रीका का सबसे बड़ा पानी का झरना है। यह 355 मीटर ऊंचा और 1600 मीटर तक लंबा है। उत्तरी अफ्रीका में स्थित सहारा का रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा और गर्म मरुस्थल है। दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप के ज्यादातर लोग ईसाई या मुस्लिम हैं। लगभग 10% लोग अपने स्थानीय पारंपरिक धर्मों का अनुसरण करते हैं। मॉरिशस ही इकलौता ऐसा देश है जिसमें लगभग 40% जनसंख्या हिंदू है। दुनिया के कुल बचे हुए प्राकृतिक खनिज संसाधनों में से लगभग 30% अफ्रीका में पाए जाते हैं। यहाँ ऑयल, डायमंड, सोना, तांबा, प्लैटिनम जैसे प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं। दोस्तों, अफ्रीका की 65% जनसंख्या कृषि पर आधारित है।
यहाँ की फल सब्जी मक्का गेहूं कॉफी इत्यादि कृषि पदार्थों की खेती की जाती है। जीडीपी के आधार पर अफ्रीका दुनिया का सबसे गरीब और कम जीडीपी वाला महाद्वीप है। दुनिया की कुल जीडीपी में इस महाद्वीप का केवल 2.4% हिस्सा ही है। दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप की साक्षरता दर भी दुनिया में सबसे कम है। गिनी, माली, नाइजर, सेनेगल, सियेरा लियोन, बेनिन, बुर्किना फासो, चाड, इथियोपिया इत्यादि देशों की साक्षरता दर 50% से भी कम है। अफ्रीका के अंगोला देश में पुर्तगाल देश से ज्यादा पुर्तगाली भाषा बोलने वाले लोग पाए जाते हैं। विशाल अफ्रीकी हाथी, जिराफ, शेर, ज़ेब्रा आदि अफ्रीका में पाए जाने वाले प्रमुख जानवर हैं। दोस्तों, इथियोपिया दुनिया का सबसे गर्म स्थल है और ये मध्य पूर्व अफ्रीका में स्थित है। दुनिया का सबसे लंबा जमीनी जानवर जिराफ है और सबसे बड़ा जानवर अफ्रीकी हाथी, दोनों ही अफ्रीका में पाए जाते हैं। हालांकि जिराफ ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। दोस्तों, मोरक्को स्थित कायरून विश्वविद्यालय को दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय माना जाता है। इसकी स्थापना 859 ईस्वी में हुई थी। मिस्र में स्थित स्वेज नहर का निर्माण 1869 में किया गया था। ये लाल सागर को भूमध्य सागर से मिलाती है। साउथ अफ्रीका में स्थित ब्लाइड रिवर कैनियन दुनिया की सबसे लंबी हरी भरी रिवर कैनियन है। दोस्तों, दुनिया की सबसे कीमती धातुओं में से 40% सोना, 60% कोबाल्ट और 90% प्लैटिनम अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। अफ्रीका की लगभग 90% जमीन खेती के लायक नहीं है और केवल 0.25% जमीन ही बेहतर खेती करने की स्थिति में है। दोस्तों, मृत शरीरों को ममी के रूप में संरक्षित रखने की पद्धति का विकास सबसे पहले अफ्रीका में ही हुआ था। हाल ही के मिली कुछ ममी के अवशेषों से इसकी शुरुआत 9000 साल पहले तक होने का अंदाजा लगाया गया है। दोस्तों, अफ्रीका के जंगलों में दुनिया का सबसे बड़ा गोरिल्ला पाया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में 28 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं। सबसे ज्यादा भारतीय उपनिवेश काल में अफ्रीका ले जाए गए, जो वहीं जाकर बस गए। अफ्रीका महाद्वीप के ही देश साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह के प्रयोग की शुरुआत की थी। दोस्तों, अफ्रीका में इस्लाम सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाला धर्म है। ईसाई धर्म को मानने वाले लोग दूसरे नंबर पर हैं। अफ्रीका महाद्वीप में ही दुनिया के सबसे बड़े मगरमच्छ नील क्रोकोडाइल मिलते हैं। अफ्रीका को लंबे समय तक ब्लैक कॉन्टिनेंट के नाम से जाना गया। अभी भी अफ्रीका के ज्यादातर देशों को तीसरी दुनिया का देश माना जाता है। दोस्तों, अफ्रीकी महाद्वीप को यूरोप से पृथक करने वाली जल संधि को जिब्राल्टर संधि के नाम से जाना जाता है। इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती नाम के देशों वाले अफ्रीका के पूर्वी भाग को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। केप काहिरा रेल मार्ग अफ्रीका का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। ये दक्षिण अफ्रीका देश के केपटाउन शहर से मिस्र के काहिरा तक जाता है। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर और किम्बरले को हीरो का शहर कहा जाता है। किम्बरले खान विश्व की सबसे बड़ी हीरा खनन खान है। अफ्रीका में पाए जाने उष्ण घास के मैदानों को सवाना के मैदान और शीतोष्ण घास के मैदानों को वेल्ड कहा जाता है। दोस्तों, अफ्रीका के मध्य पूर्व में समुद्र किनारे स्थित सोमालिया देश वहां के समुद्री लुटेरों के लिए कुख्यात है। सोमालिया देश के समुद्री लुटेरे आए दिन किसी न किसी जहाज को लूटकर उसके कर्मचारियों को बंधक बना लेते हैं। आधे से ज्यादा अफ्रीका महाद्वीप घास के मैदानों या फिर रेगिस्तान से ढका हुआ है। दोस्तों, अंग्रेजों के आने से बहुत पहले से अरब के लोगों ने अफ्रीकी लोगों को गुलाम बनाकर अपने साथ ले जाना शुरू कर दिया था। 5वीं सदी से ही अरब के लोग उत्तरी अफ्रीका में रहने वाली जनजातियों के लोगों को गुलाम बनाकर खरीद फरोख्त करने लगे थे। वेल, दोस्तों, डू यू नो, अफ्रीका के जनजाति का जीवन भी बेहद ही रोचक है। दोस्तों, अब आपको अफ्रीका में रहने वाली कुछ बेहद ही खतरनाक जनजातियों के बारे में मैं बताता हूँ। हिम्बा जनजाति। दोस्तों, कुनैन प्रांत में रहने वाली हिम्बा जनजाति में कुल 20,000 से 50,000 लोग हैं। हिम्बा ट्राइब की महिलाओं को अफ्रीका की सबसे खूबसूरत महिलाएं कहा जाता है। लेकिन आपको बता दें कि इस ट्राइब की महिलाओं को नहाने की इजाजत नहीं है। इतना ही नहीं, ये महिलाएं हाथ तक धोने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकती। हालांकि खुद को साफ सुथरा रखने के लिए इन महिलाओं का अपना एक खास तरीका है। हिम्बा जनजाति की महिलाएं नहाने की जगह खास जड़ी बूटियों को पानी में उबालकर उसके धुएं से अपनी बॉडी को फ्रेश रखती हैं, ताकि उनसे बदबू न आए। इस हर्ब की खुशबू से इनकी बॉडी कभी ना नहाने के बाद भी अच्छी स्मेल करती है। मस्सी जनजाति। जुलू ट्राइब। कारो ट्राइब इथियोपिया। कारो समुदाय के लोग बीमार बच्चों को श्रापित मानते हैं। इसके अलावा अगर कोई बच्चा कमजोर है, दिव्यांग है, तो वो भी श्रापित माना जाता है। इसके अलावा जुड़वा पैदा हुए बच्चे या जिन बच्चों के दांत के ऊपर दांत हो, वो भी श्रापित की कैटेगरी में आते हैं। गांव वालों का मानना है कि अगर इन बच्चों को जिंदा छोड़ दिया गया तो गांव में प्रलय आ जाएगी, महामारी फैल जाएगी और गांव वालों की मौत हो जाएगी, इसलिए इन बच्चों को मार दिया जाता है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आज का लेटेस्ट एपिसोड? उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। साथ ही अगर आपको इस वीडियो पर अपनी कुछ राय देनी है तो हमें कमेंट जरूर करें, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखने के लिए शुक्रिया।